सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर जो कि सैलसन ब्रांड का है और स्टीरियो एम्पलीफायर है। और बाकी की चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ये पहला एम्पलीफायर जो है अपने चैनल पर मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कभी भी एम्पलीफायर नहीं खरीदा है। ओके सो ये जो है एक एम्पलीफायर मैंने खरीदा है। आज मैं मार्केट गया था और बहुत सारे सामान लेकर के आया हूँ, तो अनबॉक्सिंग वीडियो भी काफ़ी जल्दी आ जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया। बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो उसकी। बाकी आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास ये एम्पलीफायर है जिसके अंदर आपको इको का सेक्शन भी मिलता है। काफ़ी एम्पलीफायर्स मिलते हैं मार्केट में, बस उसके अंदर जो है हमारा इको का सेक्शन नहीं होता। बस इसके अंदर आपको जो है इको का सेक्शन मिलता है, साथ ही साथ तीन आप जो है इसके अंदर माइक कनेक्ट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन माइक आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ गाइज इसके अंदर दो चैनल है, तो आप दोनों को आपको अलग अलग मिलता है। ठीक है, लेफ्ट वाला वॉल्यूम अलग, राइट वाला वॉल्यूम अलग। ठीक है, लेफ्ट वाला बेस अलग, राइट वाला बेस अलग, ऐसा भी इसके अंदर सिस्टम है। मैं भी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है वो कैसा है। तो गाइस ये देखिए, मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास कटर है, इसको जो है हम अनबॉक्स करते हैं। ओके, और गाइस वीडियो में कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना उसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अनबॉक्स हो गया। ये ऊपर से आपको रिमोट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी जो है मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो ये हमारा रिमोट है जो इसके अंदर हमें मिलता है, बट इसके अंदर जो सेल है वो नहीं मिलती हमें। सो इसको रखते हैं साइड में। बाकी का जो एम्पलीफायर है वो हमारा इसके अंदर है। सो काफ़ी अच्छी पैकिंग देखने को मिलती है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये रास्ते में मेरे से तीन बार गिरा है। एक बार तो मेरे सर से ही नीचे गिर गया। ओके, मैं इसे सर पे रख के ला रहा था, भारी था इस वजह से, तो ये दो तीन बार नीचे गिरा है। बाकी कोई मतलब इशू नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि पैकिंग इतनी अच्छी थी। बाकी ये सारी चीज़ें हम हटाते हैं और देखते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है वो कैसा है। तो एक बार जो एम्पलीफायर है उसे हम बाहर निकालते हैं। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इनको हटाते हैं और ये जो हमारा एम्पलीफायर है वो हमारा जो है निकल जाता है। सो ये देख सकते हैं, ये हमारा एम्पलीफायर है। इसका फ्रंट मैंने जैसा आपको लोगों को बताया, देखिए वॉल्यूम लेफ्ट वॉल्यूम राइट। ठीक है, सो गाइज ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा एम्पलीफायर। इसके ऊपर की रैपिंग मैंने हटा ली है। ओके सो गाइज यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पैनल। सो कुछ इस तरीके का हमारा पैनल है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ओके सो यहाँ पे बैक पैनल भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे एक खाली ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जो कि सप्लाई के लिए लगा हुआ है। ओके बाकी हमारे इसके अंदर जो 5200 के ट्रांजिस्टर होते हैं वो लगे हुए हैं। बाकी गाइस इनसाइड वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम खाली इसका साउंड टेस्ट देखने वाले हैं, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। सो मैं इसके लिए जो स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ वो हमारा नॉर्मल स्पीकर होगा जो 120mm मैग्नेट में होगा। ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में प्ले करता हूँ। तो पूरा सेटअप करते हैं एक बार, ये जो वायर्स हैं इनको खोल लेते हैं और इसके अंदर स्पीकर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे सेटअप रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये देखिए, ये मेन केबल है, इसको लगा देते हैं पावर सप्लाई में। और तो ये हमारा ऑन हो चुका है। सो ये जो स्पीकर मैंने लगाया है वो इसके राइट वाले में लगाया है। ये जो वॉल्यूम ऑपरेटर है इससे ऑपरेट होगा ये, बाकी इसका जितने भी आर वाले सेक्शन है वो ऑपरेट होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको मैं ऑन कर ले रहा हूँ एक बार। सो एक मिनट, ये ऑन हो चुका है। इसको अब करते हैं हम कनेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला है इसका, बाकी सो गाइस अभी देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो ये अभी कनेक्ट हो गया। सो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, अभी तो साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी जो है अभी सॉन्ग प्ले करेंगे तब जा करके हमें जो रियल आउटपुट है वो पता चलेगी। और बाकी गाइस यहाँ पे माइक ऑन है, सो जिस वजह से आप लोगों को इतना मतलब अच्छा साउंड आउटपुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माइक में उतना अच्छा आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। बाकी आप ईयरफोन का यूज़ करें अच्छा आउटपुट सुनने के लिए। ठीक है, बाकी जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है मैंने इसे। एक सॉन्ग प्ले करते हैं NCS का। सो मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर ले रहा हूँ और एक बार जो है जो हम NCS का ये वाला सॉन्ग प्ले करते हैं।
अब जो है देखते हैं कैसा इसका आउटपुट है। वॉल्यूम तेज करते हैं, बेस को कम करते हैं, और गाइज इसका जो हमिंग है वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉन्ग मैं बंद कर दे रहा हूँ और इसका जो है वॉल्यूम है वो पूरा फुल कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा फुल कर दिया। कहीं भी आपको जो हमिंग है अगर सुनाई दे रही हो तो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी हमिंग नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, देखिए जो हमारा सबसे मेन होता है वो हमारा ब्लूटूथ होता है, ठीक है। ब्लूटूथ जितना अच्छा होगा उतना हमिंग जो है उसको रिड्यूस करता है, ओके। बाकी देखिए पूरा फुल कर दिया मैंने यहाँ पे और इसका साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है गाइस। मैं यहाँ पे ओनली 8 इंच का स्पीकर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसका कि कैबिनेट भी थोड़ा छोटा है तो बेस उतना अच्छा बन नहीं रहा इसके अंदर। बाकी अगर आप अच्छा कैबिनेट यूज़ करते हैं 12 इंची तक के आप इसमें जो स्पीकर है वो चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे स्टोर का व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, या भी मैं व्हाट्सअप नंबर पे मतलब सॉरी ये मैंने अभी अपने स्टोर पे डाला नहीं है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ही इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पीस मैंने अभी मंगाया है, बाकी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। सो गाइज़ माना इस वीडियो में थोड़ी गलती हो गई है बोलने में, सो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।